हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बचा हुआ पोर्शन रिलेज का, जो हमने पिछली बार पढ़े थे परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, तो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्टेंस रिले के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी रिलेज के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले हमने पढ़ लिया था, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले पढ़ा था, दूसरा परसेंटेज बायस या मर्ज प्राइस इस तरह से पढ़ा था। तो उसकी अप्लीकेशंस होती हैं, किस किस के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे थ्री फेज वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए, जनरेटर वाइंडिंग के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर में अगर अपन परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज़ में लेते हैं तो किस प्रकार से होगा। तो हमारे ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर प्राइमरी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज़ में लेते हैं तो दो सिटी होती है हमारे पास, सिटी वन एंड सिटी टू, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे। तो किस तरह से कनेक्शन होंगे सिटी के और ट्रांसफार्मर के साथ, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कनेक्शंस का। तो यहाँ पर है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में डेल्टा है और सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी अगर डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी अगर स्टार कनेक्टेड है, तो सिटी के अंदर क्या डिफरेंस होगा, क्या सिटी सेम रह सकता है, सेम कनेक्शन होगा सिटी में। तो अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में डेल्टा है और सेकेंडरी में स्टार है, तो सिटी की क्या हो जाएगा, प्राइमरी सिटी जो होगी वो स्टार में होगी और सेकेंडरी सिटी डेल्टा में होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका जो फेज ग्रुप होता है, जैसे डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा, इस तरह से वन पढ़ते हैं अपन, जीरो पढ़ते हैं, जीरो वन सिक्स इलेवन, इस तरह से। तो अगर स्टार और डेल्टा या डेल्टा और स्टार कनेक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो उसके अंदर 30 डिग्री फेज डिफरेंस आ जाता है, या तो लैग आ जाता है या तो लीड आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी करंट जो है अनइक्वल फ्लो होने लग जाती है। और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में क्या है, हमारे पास हमने जो भी ड्रॉबैक्स थे ऑर्डिनरी रिले के, वो सब ओवरकम किए थे परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में। तो अगर 30 डिग्री फेज डिफरेंस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, उसकी वजह से अनइक्वल करंट फ्लो होने लग जाती है और आई आर इक्वल टू जीरो नहीं होगा, जो कि एक परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में हमारे पास होना चाहिए, आई आर इक्वल टू जीरो, नहीं तो ट्रिप हो जाएगी अननेसेसरी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम सिटी के कनेक्शंस जो हैं जस्ट चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट है, लेग है या लीड है, वो सब ओवरकम हो जाता है। तो इस वजह से अगर डेल्टा स्टार कनेक्शन है तो सिटी होगा स्टार डेल्टा, और अगर इसके अंदर ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा है तो सिटी होगा डेल्टा स्टार, और अगर स्टार स्टार कनेक्शन है तो हमारे पास कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो सिटी किसी भी तरह से हो सकता है, डेल्टा डेल्टा भी हो सकता है, स्टार स्टार भी हो सकता है, और अगर डेल्टा डेल्टा होगा तो भी वही है, सिटी में कुछ भी अपन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन। तो अपन को याद रखना है कि डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा के अंदर जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वजह से सिटी के कनेक्शन जो है स्टार रिवर्स हो जाते हैं। इसमें काफ़ी बार एग्जाम में इक्वेशन पूछा जाता है, काफ़ी बार रिपीट होता है सेम क्वेश्चन, कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन डेल्टा एंड स्टार रेस्पेक्टिवली, वॉट विल बी द कनेक्शन ऑफ सिटी इन परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सिटी का कनेक्शन किस तरह होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग यूजिंग परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। बाकी देखते हैं, हम बाकी रिलेज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। एक होती है हमारे पास अर्थ फोल्ट रिले। तो अर्थ फोल्ट रिले जो होती है, अर्थ फोल्ट जो भी आते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में ली जाती है। इसके अंदर दो फेज जो होते हैं उसके अंदर तो ओवर करंट रिले यूज़ में लेते हैं, और एक फेज होता है उसके अंदर अर्थ फोल्ट रिले होती है उसको यूज़ में लेते हैं। तो इस तरह से अर्थ फोल्ट का प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कराते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अर्थ फोल्ट रिले जो होता है उसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तीनों फेज में अर्थ फोल्ट रिले, दो फेज में ओवर करंट, एक में अर्थ फोल्ट रिले, दो में अर्थ फोल्ट, एक में ओवर करंट, या तीनों में अर्थ फोल्ट या तीनों में ओवर करंट, इस तरह से। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है, हर तरह की स्टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार मिल जाता है। तो ये भी याद रखना, अर्थ फोल्ट रिले जो है उसमें दो ओवर करंट और एक फेज में अर्थ फोल्ट रिले यूज में ली जाती है, ठीक है। अब इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अर्थ फोल्ट रिले हम जब पढ़ के नहीं गए हैं तो ऐसे सोचते हैं कि अर्थ फोल्ट है तो ओवर करंट यहाँ पे क्यों होगी, तो हम तीनों फेज में अर्थ फोल्ट कर देते हैं, या फिर हमें लगता है कि कन्फ्यूजन है, अगर तीनों में अर्थ फोल्ट ही होता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो इस वजह से हम ओवर करंट जो है एक फेज में या इस तरह से दो फेज में हमें समझ में नहीं आता, तो इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। तो ये याद रखने की चीज़ है कि दो ओवर करंट रिले दो फेज में और एक अर्थ फोल्ट रिले यहाँ पर यूज़ में ली जाएगी। अगला देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फोल्ट रिले होती है, ये किसके लिए यूज़ में लेते हैं। इसके अंदर जब अर्थ फोल्ट आता है तो इसके अंदर तीन ओवर करंट और एक अर्थ फोल्ट रिले यूज़ में लेते हैं। इसके अंदर एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर भी यूज़ में ले सकते हैं, एनजीटी यूज़ में लेते हैं, उसके साथ अर्थ फोल्ट रिले लगाते हैं।
तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फोल्ड रिले अगर पूछा जाए तो 3 ओवर करंट और 1 अर्थ फोल्ड रिले यहाँ पे यूज़ की जाती है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हमारा जनरेटर रोटर सेंसिटिव अर्थ फोल्ड रिले। जनरेटर का रोटर जो होता है उसके अंदर अगर अर्थ फोल्ड आ जाता है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए भी हम ये यूज़ में लेते हैं जनरेटर रोटर सेंसिटिव अर्थ फोल्ड रिले। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो अर्थ फोल्ड रिले लगी हुई होती है, ये हमारी अर्थ फोल्ड रिले है, उसके साथ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब करंट कुछ फ्लो होने लगती है तो रेजिस्टेंस जो है उसको ओवरकम कर लेता है, क्योंकि वैल्यू वेरी हाई होती है। और जब फोल्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो वेरी हाई करंट जब अगर जाएगी तो रेजिस्टेंस को वो ओवरकम कर जाएगी, और ऐसा होगा तो अर्थ फोल्ड रिले हमारी यहाँ पे ट्रिप कर जाती है, ठीक है। ये होता है जनरेटर रोटर का प्रोटेक्शन किससे करते हैं, सेंसिटिव अर्थ फोल्ड रिले से। पूछा जा सकता है कि जनरेटर रोटर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रिले यूज में लेते हैं अर्थ फोल्ड के लिए, तो ये हो जाएगा सेंसिटिव अर्थ फोल्ड रिले, ठीक है। तो ये तीनों रिले आप याद कर सकते हैं यहाँ से। अगला देखते हैं स्प्लिट फेज रिले। स्प्लिट फेज रिले होती है हमारी जब हाई रेटिंग के इस तरह से ट्रांसफॉर्मर या जनरेटर जो भी होते हैं हमारे पास, अगर वेरी हाई रेटिंग होती है, इस तरह से बड़े ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फेज जो होते हैं उनको स्प्लिट कर दिया जाता है 2 पैरेलल पाथ में, ताकि कंडक्टर जो है उसका जो मटेरियल हमारा होता है वो कम हो जाए, या फिर उसका जो साइज है वो कम हो जाए कंडक्टर का, इसलिए उसे पैरेलल पाथ में स्प्लिट कर दिया जाता है। अब स्प्लिट कर दिया जाएगा, 2 पैरेलल पाथ हो गए हमारे, जैसे ये एक हो गया है वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा जैसे यहाँ पे आई करंट आ रही है और यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। अब ये 2 पाथ में कंडक्टर को डिवाइड कर दिया गया है पैरेलल पाथ में। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारे किसी एक पैरेलल पाथ के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट आने की वजह से हाई करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अगर ऐसा होगा तो वही करंट जो है दूसरे पाथ को भी डैमेज कर देगी, इस वजह से पूरी रोटर की जो मतलब जो कंडक्टर जो है पूरा हमारा डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे पूरी वाइंडिंग यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं हाई करंट फ्लो होने की वजह से। तो हम इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बैक टू बैक 2 सीटी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करेंगे। तो ये है हमारी एक वाइंडिंग, ये है दूसरी वाइंडिंग इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक सीटी कनेक्ट कर देते हैं, इसका कनेक्शन कर देते हैं हम इस तरह से, और यहाँ पे हमारी रिले हो जाती है, जो भी रिले है इस तरह से सीटी हो जाता है, और इसके रिवर्स कनेक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 कनेक्टेड सीटी बैक टू बैक है, तो जैसे किसी एक पाथ के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है और हाई करंट फ्लो होने लगेगी, इस वजह से रिले ट्रिप हो जाएगी यहाँ पे, और हमारा दूसरा पैरेलल पाथ है उसको यहाँ से बचाया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है इससे। तो इस तरह से हमारी 2 सीटी कनेक्ट करेंगे और रिले के साथ, तो हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा पैरेलल कंडक्टर पाथ जो है उसके अंदर। तो ये हो जाता है स्प्लिट फेज रिले, भी पूछा जाता है एग्जाम पे, पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा थर्मल रिले। तो थर्मल रिले किसके लिए यूज़ में लेते हैं, ऑब्वियसली थर्मल से पता चल रहा है, टेम्परेचर के लिए, कुछ भी टेम्परेचर जैसा हो जाता है उसके लिए, कहीं भी टेम्परेचर का अगर कुछ हाई हो गया कम हो गया इस वजह से, तो टेम्परेचर के लिए थर्मल रिले हम यूज़ में लेंगे, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है। अब इसमें क्या होता है, थर्मल रिले जो होती है उसके अंदर कंसिस्ट बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स मेड ऑफ निकल क्रोमियम एंड निकल कॉपर। निकल क्रोमियम एंड निकल कॉपर की बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं इस रिले के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाएगा, उसके अंदर स्विच और अलार्म्स लगे रहते हैं, तो अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, जितना भी हमारा चाहिए उससे, तो हमारी जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स जो होती है वो बैंड हो जाती है। बेंडिंग मूवमेंट की वजह से स्विच जो होता है कनेक्टेड रहता है, तो बैंड जैसे ही होंगे स्विच क्लोज हो जाता है और रिले ट्रिप हो जाएगी। इस तरह से हमारी रिले काम करती है, जो भी थर्मल रिले, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो जाएगा वापस बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स जो है उनका मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगा और रिले जो है नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। तो ये हो गया हमारी थर्मल रिले, टेम्परेचर चेंज होता है इसके लिए, टेम्परेचर के लिए प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कराते हैं थर्मल रिले से प्रोवाइड कराते हैं। अब इसकी कुछ अप्लीकेशन देख लेते हैं हम, थर्मल रिले कहाँ कहाँ पर यूज़ में ली जाती है। तो थर्मल रिले जो होती है हमारी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइंडिंग्स फ्रॉम फेलियर ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम किस लिए यूज़ में लिया जाता है, ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। अब कूलिंग सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो हमारी वाइंडिंग्स जो है डैमेज हो सकती हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम थर्मल रिले यूज़ में लेते हैं, चाहे जनरेटर की बात करें या ट्रांसफॉर्मर की। दूसरा है हमारा यूज डैश टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स एंड रेफ्रिजरेटर या ओवन वगैरह, इन सब में यूज़ में लेते हैं हम टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट के रूप में, जो भी यूज़ में लेते हैं वो थर्मल रिले होती है। अगला है हमारा यूज्ड इन MCB फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर्स फ्रॉम ओवरलोडिंग। MCB जो होती है हमारी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर,
इसके अंदर क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो ओवरलोड हो जाती हैं तो हमारी एमसीबी जो है ट्रिप हो सकती है या ब्रंट हो सकती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम थर्मल रिले यूज़ में लेते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं इसकी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थर्मल रिले मतलब इस तरह का कुछ भी सिस्टम है तो उसके लिए कौन सी रिले यूज़ में लेंगे, तो आपकी थर्मल रिले हो जाएगी। आपको ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ऐसे जैसे कूलिंग सिस्टम है तो टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया, हीटर्स और इसमें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यही हो गया, या ओवरलोडिंग जो होता है, जब भी ओवरलोडिंग हो जाता है हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये थर्मल रिले इसके लिए यूज़ में हो गई। अगला देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं डिस्टेंस रिले के। कितने टाइप के होते हैं डिस्टेंस रिले? हमारे पास होती है इम्पीडेंस रिले होती है, रिएक्टेंस रिले होती है और एडमिटेंस या महो रिले होती है। तीन टाइप की मैन रिले होती है डिस्टेंस में। तो यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्टेंस रिले के बारे में। पहली है हमारी इम्पीडेंस रिले। इम्पीडेंस रिले जो होती है उसके ये काफ़ी क्वेश्चन तो इस तरह के पूछे जाते हैं कि इम्पीडेंस रिले या रिएक्टेंस रिले या महो रिले के बारे में, कि ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट है या डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट है, इस तरह के। तो ये याद रखना है आपको, इम्पीडेंस रिले जो होती है वो वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ठीक है। इसमें ट्रिप की क्या कंडीशन होती है, ट्रिप कब कर जाते हैं? इम्पीडेंस है तो इसकी वजह से इम्पीडेंस में हमारे पास इम्पीडेंस होगा, जेड होगा, तो ट्रिप की कंडीशन होती है जेड एफ लेस देन जेड एल। हमेशा हमारे पास क्या होती है, कोई भी फॉल्ट करंट है अगर वो किसी चीज़ से हाई होती है तभी ट्रिप कर जाता है, लेकिन डिस्टेंस रिले में ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट कंडीशंस होती हैं। जो भी हमारा फॉल्ट इम्पीडेंस है वो अगर जेड एल है, जो लाइन का इम्पीडेंस है, उससे कम होगा, लाइन का नहीं है, एक आइडियल इम्पीडेंस है जो हमारे रिले के अंदर सेटिंग होती है कि इस इम्पीडेंस से ज़्यादा या कम पे हम मेजर करेंगे, तो अगर उस इम्पीडेंस से कम है तभी हमारी ट्रिप रहेगी, ज़्यादा होगा तो वो ब्लॉक कर देगी उस सिग्नल के ऊपर, कोई ध्यान नहीं देगी, ठीक है। अब इसका लोकस जो होता है इम्पीडेंस रिले का, वो सर्किल होता है और इसकी रेडियस होती है जेड एल। जेड एल जो हमारा प्रीडिफाइंड इम्पीडेंस है रिले का। तो यहाँ पे हम इसका देखते हैं लोकस किस तरह का है। ये हमारा सर्किल, इसके अंदर किस तरह से हो जाएगा, ये आर है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आर, और ये इधर वाली एक्सिस जो है जे एक्स आती है, और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मोड ऑफ जेड एफ दे रखा है, सिर्फ इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और इसकी रेडियस जो होती है जेड एल होती है यहाँ पे, मोड ऑफ जेड एल। अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी ये एरिया है जेड एल, जेड एल यहाँ पे हो गया हमारा, तो जेड एल से कम कम जो होगा वहाँ पे ये फॉल्ट इम्पीडेंस अगर आ रहा है तो ट्रिप करेगी, तो मतलब जो सर्किल है उसके अंदर ही ट्रिप करेगी। सर्किल के बाहर कोई भी सिग्नल है, सर्किल के बाहर किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट आ रहा है या कोई भी फॉल्ट इम्पीडेंस है, तो उसके लिए क्या करेगी, ट्रिप नहीं करेगी, इसको ब्लो कर देगी इस सिग्नल को, ठीक है। तो सिर्फ सर्किल के अंदर ये ट्रिप करेगी, इसके अलावा किसी सिग्नल के लिए ये कोई काम नहीं करेगी। तो ये हो जाएगी हमारी इम्पीडेंस रिले। अब इसके अंदर और क्या क्या इम्पीडेंस रिले जो होती है, ये ओरिजिनल जो भी हमारी एक स्टैंडर्डाइज इम्पीडेंस रिले है, ये जो होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है, ये डायरेक्शन नहीं होती इसमें। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं छोटे छोटे, एक होती है डायरेक्शनल इम्पीडेंस रिले, एक होती है एंगल इम्पीडेंस रिले, ठीक है। डायरेक्शनल इम्पीडेंस रिले में क्या होता है हमारा, जैसे ये इसका लोकस है, तो इसके अंदर सिर्फ इतना लोकस होता है, हाफ सर्किल सेमी सर्किल, इसकी रेडियस जेड एल हो गई, इसके अंदर ही ट्रिप करेगी, इसके बाहर कोई भी सिग्नल है उस सबको ब्लो कर देगी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी डायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में काम करेगी क्योंकि डायरेक्शनल हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अगली है एंगल इम्पीडेंस रिले, तो एंगल जो है ये एक सर्टेन एंगल पे होती है इस तरह से, इसके अंदर ट्रिप करेगी, बाकी बाहर जो भी लोकेशन है वहाँ पे ब्लॉक कर देगी। तो इस तरह से ये हमारी हो गई इम्पीडेंस रिले, ठीक है। एक हो गई नॉर्मल इम्पीडेंस रिले जो इनहेरेंटली डायरेक्शनल नहीं होती है, ये नॉन डायरेक्शनल रिले है। अब डायरेक्शनल के लिए हमने देख लिया ये, और एंगल इम्पीडेंस रिले जो होती है वो इस तरह की होती है। ये हमारी तीन रिले हो गई एक ही पार्ट में। अब अगली देखते हैं इम्पीडेंस के बाद में रिएक्टेंस रिले। अब इम्पीडेंस रिले का आपको क्या, इसमें क्या किया जाता है, जैसे इम्पीडेंस रिले है, रिएक्टेंस रिले है, इसके अंदर आपको करेक्टरिस्टिक्स दे देंगे, जैसे लोकस दे देंगे, फिर पूछेंगे मैच करने के लिए इम्पीडेंस रिले का कौन सा लोकस है, या एक दे देंगे कि इम्पीडेंस रिले का कौन सा लोकस है, चार पांच लोकस दिखा देंगे। तो आपको याद रखना है इम्पीडेंस रिले जो होती है उसके अंदर लोकस सर्किल होता है और उसकी रेडियस होती है जेड एल के इक्वल। तो आपको सर्किल देखना है और जेड एल इसकी रेडियस है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि इम्पीडेंस रिले का यही होगा। एंगल इम्पीडेंस है तो किसी एक एंगल पे होगी, और डायरेक्शनल है तो किसी एक डायरेक्शन के अंदर होगी। तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगला है हमारा रिएक्टेंस रिले। तो रिएक्टेंस रिले जो होती है उसका क्या है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, याद रखने की चीज़ है।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो याद रखना है रिलेज के अंदर वो है ये डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट, वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट, इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स। दूसरा याद रखना है कि लोकस क्या है रिले का, सेंटर से है या स्ट्रेट लाइन है या सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर है या सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजन इस तरह से, या सर्किल विद द रेडियस जेड एल इस तरह से, जो भी है ये सब याद रखने हैं आपको, यही पूछा जाता है इसके अंदर, या किसके लिए यूज में ली जाती है किस तरह के फॉल्ट्स में। अब इसमें देखते हैं ट्रिप कब करेगी, जब एक्स एफ लेस देन होगा एक्स एल, ये भी बता दिया मैंने कि डिस्टेंस रिले किस तरह से यूज में लेते हैं, एक्स एल से जो छोटा इम्पीडेंस होता है सिर्फ उसी के लिए ट्रिप करती है। अब रिएक्टेंस है तो ये सिर्फ रिएक्टेंस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये सिर्फ रिएक्टेंस से करेगी, तो ये हमारा लोकस हो जाएगा इसका। इसका लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जीरो कोमा एक्स एल, ठीक है। तो ये आर है, ये जे एक्स है, और ये हमारी होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ओरिजिनल ओरिजिन हो गया जीरो कोमा जीरो, ये हो गई हमारी एक्सएल, ठीक है, जे एक्सएल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जीरो कोमा एक्सएल, तो ये हो गया ना हमारा जीरो कोमा एक्सएल यहाँ पे, तो ये होती है। अब इसके अंदर जो रहेगा ट्रिप करेगी, क्योंकि ये बिलो के लिए ही ट्रिप करती है, इसके अलावा जो भी है वो सबके लिए ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो सिर्फ यही इसका एरिया है, एरिया ऑफ प्रोटेक्शन, इसके बाहर ये किसी भी सिग्नल को कोई वो नहीं करेगी, ब्लॉक कर देगी हर सिग्नल को। तो ये हो गई हमारी रिएक्टेंस रिले। अगली रिले देखते हैं एडमिटेंस रिले। एडमिटेंस रिले जो है उसको महो रिले भी कहा जाता है। एडमिटेंस रिले के करेक्टरिस्टिक्स हैं वोल्टेज रिस्ट्रेंट, डायरेक्शनल रिले, ठीक, डायरेक्शनल ओवर नहीं, हाँ, वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले, ठीक है। अब ये ट्रिप कब करेगी, जेड एफ लेस देन जेड एल, यही था हमारा इम्पीडेंस रिले में, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ये इसमें एंगल पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है हमें। इसका लोकस जो होता है इम्पीडेंस रिले का था सर्किल पासिंग, सर्किल सेंटर एट ओरिजिन विद रेडियस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एल, ठीक है। एडमिटेंस रिले के अंदर क्या है, लोकस सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन विद डायमीटर जेड एल, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसका डायमीटर जो होगा यहाँ पे टोटल डायमीटर इस तरह का, ये डायमीटर होगा, किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं आप, टोटल डायमीटर जो होगा वो मोड ऑफ जेड एल के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये भी यही करेगी, इसके अंदर ट्रिप करेगी, इसके बाहर जो भी सिग्नल मिलेंगे उन सबको ब्लॉक कर देगी। तो इसी तरह से ये एडमिटेंस रिले वर्क करती है, और इसको महो रिले भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली इसको महो रिले के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी हो गई तीन रिले हो गई हैं डिस्टेंस में, इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले एंड एडमिटेंस रिले, ठीक है। तो इनको याद रखने का क्या तरीका है, इम्पीडेंस रिले है सर्किल सेंटर एट ओरिजिन, तो करेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगा आपको। रिएक्टेंस रिले के लिए है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जीरो कोमा एक्सएल, तो ये पता चल जाएगा कि रिएक्टेंस रिले का ग्राफ किस तरह का आएगा। और एडमिटेंस रिले या महो रिले है सर्किल पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये आपको पता चल जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, ये हर एग्जाम में देखा जाता है, जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स दे, ये लोकस दे देते हैं आपको, और पूछा जाता है कौन सी रिले का कौन सा है मैच करिए, या तो कोई एक रिले दे देंगे और सारे करेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा इस रिले का है, तो इस तरह से। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल है या कौन सी रिले है, इस तरह से। तो ये याद रखने की जो इंपॉर्टेंट है वो दो चीज़ें हैं, और ट्रिप किसके लिए करेगी तो आपको याद ही रखना है, डिस्टेंस रिले के अंदर जेड एल से बिलो जो इम्पीडेंस होगा उसी के लिए ट्रिप करेगी, उसके बाहर कोई भी इम्पीडेंस है उसके लिए ट्रिप नहीं करेगी। इसके बाद कुछ टर्म्स देखते हैं हम रिले से रिलेटेड। पहली है हमारे पास रीच। रीच क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन प्रोटेक्टेड बाय डिस्टेंस रिले, ठीक है। डिस्टेंस रिले हम किस लिए यूज में लेते हैं, थ्री फेज फीडर के प्रोटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं हम डिस्टेंस रिले, ट्रांसमिशन लाइन हो गया इस तरह से आप कह सकते हैं। तो रीच क्या होती है, लेंथ ऑफ द लाइन प्रोटेक्टेड बाय डिस्टेंस रिले। जैसे हमने अभी यहाँ पे ये रिले देखी है महो रिले, तो इसके अंदर रीच क्या हो जाएगी, जो ये सर्किल के अंदर का एरिया है यहाँ पे ट्रिप करेगी, तो यही इसकी रीच बोला जाएगा इसका, क्योंकि यही इसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है। तो लेंथ ऑफ द लाइन प्रोटेक्टेड बाय डिस्टेंस रिले, उसे बोलेंगे हम रीच। अंडर रीच क्या हो जाएगी, अंडर रीच आपको पता है कि रीच से जो बिलो चला जाएगा अंडर रीच है। तो इफ डिस्टेंस रिले फेल्स टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट विद इन इट्स ओन रीच, ठीक है, अगर ये इस सर्किल के अंदर फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने से फेल हो जाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उसे हम बोलेंगे अंडर रीच है हमारी रिले। दूसरा है ओवर रीच। ओवर रीच में क्या होगा, ये अपने फॉल्ट जो है अपने रीच के अंदर तो आइडेंटिफाई कर ही रही है, इसके साथ साथ आउटसाइड ऑफ द रीच भी किसी फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर जाती है रिले। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी उसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है उसके बाहर भी कोई फॉल्ट अकर होता है, तो उसके लिए भी वो ट्रिप कर जाती है,
या उसको भी आइडेंटिफाई कर देती है तो उसे ओवर रीच बोलते हैं कि हमारी रिले जो है ओवर रीच रिले हो गई है इस टाइम पे। तो ये टर्म्स हैं जो इनसे रिलेटेड, जो खास करके डिस्टेंस रिले से रिलेटेड हैं, तो ये भी याद रखने की है कि ओवर रीच पूछा जा सकता है अंडर रीच। रीच का मतलब अगर आपको पता है तो इससे आप बता सकते हैं अंडर रीच क्या है और ओवर रीच क्या है। ओवर रीच में ये नहीं बोल सकते हैं कि खुद का आइडेंटिफाई नहीं करती है खुद के रीच में, सिर्फ बाहर ही करती है, ये याद रखना है, ये खुद के साथ साथ भी बाहर का करती है, उसे ओवर रीच कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे यहाँ पे डिस्टेंस रिले हो गई है, हमने देख ली यहाँ पे अर्थ फोल्ट रिले देख लिया उससे पहले। तो इसके बाद जो भी रिले आएगी हमारी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिले। जैसे एक होता है थ्री, कुछ प्रोटेक्शन होता है ट्रांसमिशन लाइन का, थ्री जोन प्रोटेक्शन होता है, उसके अंदर कितना कितना परसेंटेज जो है हम प्रोटेक्ट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और इस तरह की रिले से, तो वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम सर्किट ब्रेकर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, या जो भी रिले का कुछ पार्ट बच गया है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी सजेशन है आपको, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।